बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट वन की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और उसके एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.3 और 10.4। लेकिन 10.3 और 10.4 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 में फार्मूले वगैरह यूज होते हैं, पहले वो फार्मूले समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10.3 और 10.4। तो इससे पहले मैंने लेक्चर में मैंने आप लोगों को डबल एंगल आइडेंटिटाइज, हाफ एंगल आइडेंटिटाइज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज के फार्मूले समझाए, उनको याद करना बताया कि किस तरीके से याद करना, और इनके अलावा इनके प्रूफ भी करवाए। अभी हम लोग करने वाले हैं कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट या के जो फार्मूले वगैरह होते हैं उनको सम या डिफरेंस में, या सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये फार्मूले एक्सरसाइज 10.4 और 10.3 में भी यूज होंगे, तो ये फार्मूले अभी हम लोग इनके प्रूफ करने वाले हैं। तो फार्मूले क्या है यहाँ पे, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स टू सम और डिफरेंस, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं उनको सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सम क्या होता है, उनमें प्लस दिया होता है या माइनस दिया होता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला है प्रूफ दैट टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी याद करना है आप लोगों ने कि टू पहले साइन का फंक्शन हो फिर कॉस का फंक्शन हो, तो ये इसके बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका प्रूफ के लिए हम लोग इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करके फार्मूले वगैरह ओपन करके हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इस का फार्मूला यहां तक मैंने ओपन कर दिया। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का भी सेम इसी तरीके से ओपन करेंगे, लेकिन प्लस की जगह पे क्या आता है, माइनस आता है। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें से देखेंगे कि कैंसल आउट कौन से होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस बीटा है, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों प्लस के कैंसिल नहीं हो सकते। कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, एक माइनस का एक प्लस का, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों फंक्शन आपस में सेम है और ऐड हो रहे हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने प्रूफ किया कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का जवाब आ गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल टू आया राइट हैंड साइड। तो हमने ये फार्मूला फिर याद करना है कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ तो उसको सम या डिफरेंस सम की फॉर्म में ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम करते हैं जब यहाँ पे माइनस हो तो फार्मूले में क्या चेंजिंग आएगी,
अब हम दूसरा इसका करते हैं, जब यहाँ पे मैंने जी स्टूडेंट अब हमारे पास है कि 2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू होता है sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। जब यहाँ पे माइनस हो ठीक है तो ये किसके बराबर होता है 2 cos अल्फा sin बीटा। तो हम इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं sin अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लोग फिर ब्रैकेट में ओपन करेंगे, ठीक है। जब माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट में ओपन कर लिया करें। sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम क्या करते हैं इसमें से एक प्लस का एक माइनस का जो कैंसिल हो रहे हैं वो देखते हैं। sin अल्फा cos बीटा ये प्लस का है, माइनस sin अल्फा cos बीटा ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे cos अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो ये हम लोग राइट हैंड साइड को भी हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नहीं आई। तो cos अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर होता है 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। तो आप लोगों ने लिखना है हैंस प्रूव, और ये वाला फार्मूला याद करना है कि जब प्रोडक्ट फार्मूले पहले कॉस का फंक्शन बाद में साइन का फंक्शन और टू मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसके बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम करते हैं इसका थर्ड प्रूव। थर्ड प्रूफ पहले हमने किए यहाँ पे जब साइन के फंक्शन हो एक प्लस का था एक माइनस का था, अब हम करते हैं जब दोनों कॉस के फंक्शन हो तो फिर क्या चेंजिंग आएगी। थर्ड फार्मूला है इसका के 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। जब दोनों cos के फंक्शन हो यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 cos अल्फा cos बीटा के। तो हम ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, वो क्या है यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, इसका भी ओपन करना है, माइनस वाला भी ओपन करना है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, जब प्लस हो तो माइनस लगाते हैं sin अल्फा sin बीटा प्लस। अब ये वाला cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है cos अल्फा cos बीटा, जब माइनस हो यहाँ पे तो प्लस लगाते हैं sin अल्फा sin बीटा। अब इसमें से माइनस sin अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा क्या होता है 2 cos अल्फा cos बीटा, क्योंकि ये सेम फंक्शन उनको ऐड कर दिया हम लोगों ने। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos अल्फा cos बीटा। तो राइट हैंड साइड का जवाब भी इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड लिख देना यहाँ पे। और ये फार्मूला याद करना है कि जब दोनों cos के फंक्शन हो एंगल अल्फा और दूसरा बीटा और टू मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास रिजल्ट होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये सम की फॉर्म है, अगर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना तो ऐसे लिखते हैं, अगर प्रोडक्ट फॉर्म को सम की फॉर्म में चेंज करना तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ फार्मूला है, उसको हम देखते हैं।
फोर्थ फार्मूला यहाँ पे शो दैट मेंस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हमने प्रूफ करना है कि जब दोनों साइन के फंक्शन ठीक है माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये इसके बराबर होता है। डिफरेंस फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो हम लोग इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड, वो क्या है यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसके फार्मूले ओपन कर देंगे तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे जब माइनस होता है तो उसको ब्रैकेट में ओपन कर दिया करें क्योंकि ये माइनस बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम क्या करते हैं माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्या करते हैं जो प्लस माइनस के हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के, और यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव। इस तरीके से ये चार फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, यही वाले फार्मूले एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 में यूज होंगे, ठीक है।